हाँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हमारा ट्रैक एंड टॉक वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ मिल रहा है, या इसका आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपको। मैं इसमें एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसमें दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितनी भी टोटल गाड़ियाँ होंगी वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टोटल गाड़ियाँ देख सकते हैं। इसमें आपका इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग कलर देख पा रहे हैं आप, है ना। अगर कोई गाड़ी रेड कलर में है इसका मतलब ये रुकी हुई है, अगर कोई गाड़ी ग्रीन कलर में इसका मतलब ये वर्किंग में है, मतलब रनिंग में है, और अगर हाँ कोई गाड़ी हमारी येलो कलर में है इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी हमारी चालू है लेकिन खड़ी हुई है। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि कहीं अगर जैसे हमारा ड्राइवर गाड़ी को ऑन करके एसी चालू करके बैठा हुआ है तो हमारा लॉस कर रहा है वो, ठीक है, उस केस में। तो ये हमें यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद गाड़ी का व्हीकल नंबर यहाँ दिख जाता है, हमारे कस्टमर के जो मतलब इस गाड़ी के लिए हमने निकनेम जो डाले होंगे वो यहाँ हमें दिख जाते हैं। एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है ये कौन सी जगह पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, स्लाइड करेंगे, जब थोड़ा सा हमने स्लाइड किया तो यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एड्रेस के साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट यूज टाइमिंग क्या आ रहा है यहाँ पे। अब आप किसी भी गाड़ी पे जब क्लिक करते हैं तो उसका ये नीचे एक पैनल खुलता है यहाँ पर। इसमें आपको यहाँ पर उसकी स्पीड, उसका गाड़ी का RC नंबर, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दी जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर उसको आप लाइव ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक के लिए ये बाप का एक विंडो खुल जाती है, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर पिन करके लगा सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको दो तीन कोई गाड़ियाँ आपकी एक ही साथ चलाना है, दो तीन गाड़ियाँ आपकी कोई मूविंग में है, जैसे ये गाड़ी को मेरे को देखना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये गाड़ी जहाँ जहाँ भी जाएंगी वो यहाँ पे हम देख सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले स्टार्टिंग में ये क्या चीज़ है। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये दो पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर है मैप व्यू, ये वाला पोर्शन जो है वो मैप व्यू है, और ये जो है वो टेबल व्यू है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी गाड़ी के ग्राफिक्स बने हुए आ रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई देगा कि कौन सी गाड़ी हमारी किस एरिया में है। अब अगर आप यहाँ से मैप व्यू में जाएंगे तो सिर्फ आपको मैप दिखाई देगा ये इस वाले पोर्शन से। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ मैप से आप कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रैफिक मैप चाहिए, सेटेलाइट मैप चाहिए, POI, हाँ ये सब आप यहाँ से इसको ऑन करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आपको क्लस्टर्स में ये दिख जाएगा, जैसे कि हमारी कुछ गाड़ियाँ जो है वो यहाँ लखनऊ साइड में चल रही हैं, कुछ बांग्लादेश कौन सा एरिया ये वॉट एवर जो भी है वाराणसी साइड वहाँ पर चल रही हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो इसमें यहाँ पे क्लस्टर बना आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लस्टर्स आपके दिखाई दे जाते हैं आपको बने हुए, तो ये एक अपने को बेनिफिट हो जाता है। अब हम यहाँ पर किसी भी गाड़ी पर जब क्लिक करते हैं उसकी एग्जैक्ट यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है, उसका इग्निशन ऑन है, किस स्पीड से ये चल रही है, 37 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, कब की रिपोर्टिंग है ये हम देख सकते हैं। अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से प्लस का साइन बनाया, इस पर हम जाके जूम कर लेंगे। हम इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं इस गाड़ी को तो हम यहाँ से इसको प्लस करते जाएंगे। थोड़ी सी ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, मैं एक मिनट देख लूँ। क्लस्टरिंग अगर हमने हटा दी है तो यहाँ हमें पूरा ऐसा मतलब एक बंच टाइप का दिखाई दे रहा है। अगर हमने सेटेलाइट मैप हटा दिया तो रोड मैप हमें दिखाई देगा, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जैसा हमें उसको देखना है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें टेबल व्यू देखना है, हमारी गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पीड आपको दिखाई दे रही है SPD, ठीक है। इसके बाद इसमें किलोमीटर देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी आज के दिन कितना किलोमीटर चली, सिंस कब से ये चल रही है ना, ये इसका स्टेटस देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो। यहाँ पर आप उसका देख सकते हो कि इस GPS की जो बैटरी है वो चार्ज है या नहीं, नेटवर्क प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आप इसमें देख पाओगे। हाँ, अब ये तो हो गया डैशबोर्ड, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये मेरे क्लाइंट का मतलब ID है, ठीक है, जो खुली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमो के लिए जो मैंने बना रखा है 68 टोटल व्हीकल्स इसमें एडेड। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 गाड़ियाँ जो हैं इनमें से 68 में से रनिंग में हैं, हाँ अभी चल रही हैं। इसके बाद जो कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो ओवर स्पीड कर रही है, यहाँ इस वाले जो बटन जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसमें ओवर स्पीडिंग दिखती है, ठीक है। कोई गाड़ी आइडल है, आइडल का मतलब समझते हैं आप, आइडल का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जब हमारी गाड़ी चालू तो है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही, तो 8 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर रही है ना, तो वो हम देख लेंगे। जैसे ये हैं, ये 8 गाड़ियाँ वो हैं जो कि चालू हैं लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही। जैसे ये JCB है, ये JCB आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब JCB का क्या काम होता है कि वो रुक करके खुदाई करती है, एक ही जगह पर स्टेक होकर के खुदाई करती है, तो मूवमेंट नहीं करती वो, इसलिए ये आइडल कंडीशन दिखा रही है। और यहाँ पे हम उसका इंजन आवर्स देख सकते हैं कब से ये चल रही है, 29 मिनट से, ये पिछले 29 मिनट से काम कर रही है,
ठीक है। अगर कोई सा एसी वाला डिवाइस आपने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में दिया है तो यहाँ पर एसी का स्टेटस भी आपको यहाँ दिख जाता है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा ये, अगर एसी ऑन होगी किसी की तो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद और क्या है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कि 31 गाड़ियाँ हमारी जो टोटल हैं वो स्टॉप्ड खड़ी हुई हैं, हाँ 13 गाड़ी उनमें से ऐसी हैं जो अनरीचेबल है, मतलब इंटरनेट उसको जो नेटवर्क है जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो है वो हमारे किसी क्लाइंट ने इसको ऐड की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख पाते हैं। अब इनमें हम अंदर घुसेंगे, देखो आप ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, होम मैनेज रिपोर्ट्स अलर्ट्स मोर फ्यूल और सेटिंग और एक्सेस मैनेजमेंट, इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैंने आपको डैशबोर्ड समझा दिया, ठीक है, तो हम यहाँ से चले जाते हैं टेबल प्लस मैप व्यू जो हमारे लिए आता है। हाँ होम में क्या है, एक तो हिस्ट्री, आप अगर उसका प्लेबैक देखना चाह रहे हैं किसी गाड़ी का तो यहाँ से देखेंगे, और डैशबोर्ड ये है ही आपके सामने। अब यहाँ पे मैनेज में क्या ऑप्शंस है, मैनेज में अगर आपको कोई व्हीकल ऐड करनी है, नया GPS आपको ऐड करना है तो यहाँ पर जाएंगे। अगर आप सिर्फ डिवाइसेस को ऐड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में आपके इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए तो यहाँ पे डिवाइसेस में आप जा करके उसको ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ऐड करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको, जब भी हमारा जो भी कोई भी क्लाइंट हो वो अपने कोई नया यूज़र बना रहा हो, है ना, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना हो किसी को, या कोई नया कस्टमर उनका कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस केस में आपका ये ट्रांसपोर्टर ऐड किया जाता है, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुछ 4-5-10 टेक्नीशियंस हैं उस केस में आप यहाँ पर टेक्नीशियंस को ऐड करेंगे वहाँ पर, कि कौन सा जो हमारा टेक्नीशियन है, जो हमारा इंस्टॉलर है, उसने किस गाड़ी को कब इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। कितने टेक्नीशियंस हमारे पास, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये इस वाले सॉफ्टवेयर में आप एक्सेस कर पाएंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके कोई क्लाइंट है आपके नीचे, जैसे आप होलसेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके नीचे जो भी आपके वेंडर्स बनेंगे छोटे छोटे आपके एरिए में, आपके स्टेट में, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। तो मैं ये आपको ऊपर से पहले बता रहा हूँ, फिर अंदर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी व्हीकल की डिटेल्स डालना चाह रहे हैं, डिटेल मतलब उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कब उसकी सर्विस हुई थी, ये सारी चीज़ें उसमें डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप किसी गाड़ी के लिए रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी कि उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम पीरियड में। स्टेटस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कितने टाइम तक वो बंद खड़ी रही, कब तक वो चालू रही, कितना टाइम उसने रनिंग में लगाया, है ना, स्टेटस रिपोर्ट में आपको ये दिख जाता है। आपके ट्रैक्टर ने कितने घंटे काम किया, आपके JCB ने कितने घंटे खुदाई की, है ना, वो सब आप यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट्स में देख पाएंगे। ट्रैवल समरी मतलब कितने किलोमीटर एक गाड़ी ने आपका ट्रैवल किया है और कब कब उसने हॉल्ट्स लिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। स्टॉपेज समरी कहाँ कहाँ वो रुकी थी, इसमें स्टॉपेज समरी आपको मिल जाती है। कुछ सेंसर रिपोर्ट्स आपको चाहिए, जैसे फ्यूल का आपको सेंसर की रिपोर्टिंग चाहिए कि कितना डीजल हमारी गाड़ी ने कब कब कंज्यूम किया, कोई डीजल किसी ने चोरी किया है तो कितना डीजल चोरी किया, वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा AC कब कब ऑन रही उसकी, या डोर कब खुला कब बंद हुआ, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। स्पीड वर्सेस डिस्टेंस, यहाँ पे आप उसकी स्पीड और डिस्टेंस का एक ग्राफ बन जाता है, वो आप चेक कर पाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में अंदर से समझेंगे, पहले ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। ये अलर्ट्स का ऑप्शन है, आप किसी कस्टमर को अपने अलर्ट्स देना चाहते हैं अलग अलग टाइप के, तो यहाँ से अलर्ट्स आप दे सकते हैं। आप ये चेक करना चाहते हैं किस किस को कितना कितना नोटिफिकेशन गया है, कब कब क्या क्या उसके नोटिफिकेशन आए हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आपको खुल जाएगी। सर्विस मेंटेनेंस अलर्ट्स आप उसको देना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें आप जा सकते हैं। पार्क्ड शेड्यूलर को मैं एक नई वीडियो में आपको अलग से ही सेपरेटली बता दूंगा, क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। पार्क शेड्यूलर का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी गाड़ी, आप एक जॉब करते हैं, समझना, ठीक है, आप जॉब करते हैं तो आपकी 10 to 5 की जॉब रहती है। आप हर रोज़ सुबह मंडे को जाते हैं, अपनी गाड़ी को अपने ऑफिस के नीचे पार्किंग में लगाते हैं और वहाँ से वापस जाते हैं अपने घर पर, सॉरी अपने ऑफिस में जाएंगे और 5 बजे उसमें उतर के आप गाड़ी को लेके जाते हैं। तो इस बीच में हमें डर लग रहा था कि हमारी गाड़ी चोरी तो नहीं हो रही, हाँ, तो वहाँ पर आपका पार्किंग मोड ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसके बाद आप मतलब जैसी कोई उस गाड़ी को मूवमेंट कराएगा, अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो आपके मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़ोर से पुलिस का सायरन बजता है, उसका ये यहाँ पर रहता है। अगर आप किसी कस्टमर को अपना अनाउंसमेंट देना चाहते हैं, मतलब जैसे कोई आप यहाँ पर क्या है, ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है अनाउंसमेंट का, जैसे कि आपने GPS की सर्विसेज स्टार्ट करी, आपका 100 कस्टमर का बेसिस, आपका 100 कस्टमर बेस बन गया, ठीक है, 100 कस्टमर को आपने GPS भेज दिया। अब इसके बाद आपने इंश्योरेंस की कोई वो स्टार्ट करी, ठीक है, इंश्योरेंस हुआ या फास्टैग या कोई भी अन्य बैटरी वगैरह आप बेचने लगे, तो आपने कोई भी नई सर्विसेज स्टार्ट की, तो यहाँ पर जा कर के आप
सभी कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक फीचर हमें मिल जाता है जिसमें मार्केटिंग की कॉस्ट हमारी जीरो हो जाती है। कोई भी नई सर्विस हम ऐड करते हैं, किसी को हमें विश करना है हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी मकर संक्रांति या रक्षाबंधन, तो यहाँ पे आप उसको कस्टमर को विश कर सकते हैं, सभी को अनाउंसमेंट डाल सकते हैं। कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर आपका अगले कुछ दिनों तक के लिए मेंटेनेंस पे जाने वाला है, तो आप यहाँ पे उसको अनाउंसमेंट डाल सकते हैं। या आप कुछ दिनों के लिए अपने फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो अनाउंसमेंट डाल सकते हैं कि सर अभी हम 5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते, इस तरीके से अनाउंसमेंट डाल देंगे। तो जो कि आपको अलग से कॉल करने की बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आप एक बार में सभी लोगों को कॉल मतलब मैसेज जो है वो मिल जाता है, फ़ोटो मिल जाता है उन्हें, कोई फ़ोटो आप दिखाना चाहते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ यहाँ से मिल जाता है। इसके भी डिटेल में जाएंगे अपन, ठीक है। अब आ जाता है मोर का ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्टेट वाइज फ्यूल प्राइसिंग देख सकते हैं। ये अभी इंडिया का है फिलहाल, तो आप नेपाल से हैं तो नेपाल के लिए भी हम आपको अरेंज करा देंगे सारी चीज़ें कि आपके किस जगह पर क्या फ्यूल प्राइसिंग चल रही है। किसी का आपको लाइसेंस चेक करना है तो यहाँ से लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं। किसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करना है गाड़ी का तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा ये जो पैन बटन है इसमें आपको फ्यूल की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। फ्यूल कब भरा था आपकी गाड़ी में वो आपको दिख जाएगा, फ्यूल कितना भरा था वो सब दिख जाएगा इस वाले पोर्शन में। फ्यूल चार्ट रिपोर्ट मतलब आपको ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिलेगी, कब कितना भरा, कितना कंजप्शन हुआ उसका, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंजप्शन, ठीक है, कितना कंज्यूम किया उसने गाड़ी ने आपके, और क्या एवरेज दे रही है, माइलेज क्या गाड़ी दे रही है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आपको कोई डिवाइस ऐड करनी है जो कि फ्यूल की उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, तो यहाँ से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। अब यहाँ पे सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे इसमें आप अंदर जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर में नीले कलर की थीम है ना, आपको पसंद नहीं है, आप चाह रहे हो लाल कलर या कोई हरा कलर या कोई भी अन्य कलर आप चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं थीम को, ठीक है। कोई व्हीकल को नई कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है यहाँ से करेंगे। अपने प्रोफाइल को आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लॉग्स आप चेक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर आप किसी कस्टमर को देना चाह रहे हैं, आप अपने बिल देना चाह रहे हैं या फिर आपने वारंटी कार्ड आपको देना है, तो आप इस जगह से ये सर्टिफिकेट बना करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सेस मैनेज। एक्सेस मैनेज में मतलब कौन सा कस्टमर आपका क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर पाए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे ये बाइक है, यहाँ पे आपको अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हमने इसमें क्या है, रिले दी है। रिले मतलब इंजन ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक रिले देना पड़ता है मोबाइल फ़ोन से इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें वो देना है तो उसका एक्सेस देना पड़ेगा जो कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से जाएगा कि आप कस्टमर अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को कभी भी बंद कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। अगर हमने किसी कस्टमर को रिले नहीं दी है तो ऐसे केस में हम उसको एक्सेस, ये लॉक वाला एक्सेस नहीं देंगे, तो ये उसको दिखाएगा ही नहीं, है ना। इसी तरीके से अगर हमने किसी को फ्यूल नहीं दिया, फ्यूल वाला पोर्शन हमने नहीं दिया, तो फ्यूल का एक्सेस हम उसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये जहाँ से ये चीज़ जो है ना वो दिखेगी नहीं उसे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सबसे पहले एक्सेस मैनेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्लाइंट को देना चाहते हैं किसी चीज़ का एक्सेस, या ट्रांसपोर्टर टेक्नीशियन या यूज़र को। तो जैसे हम किसी ट्रांसपोर्टर को एक्सेस देना चाहते हैं तो हमने इस वाले को ट्रांसपोर्टर पे क्लिक किया। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो अपना बेसिक रिपोर्ट देख पाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बेसिक रिपोर्ट आप कस्टमर को देना चाह रहे हैं, इसका एक्सेस आपको देना है तो यहाँ से आप देंगे। जियो फेंसिंग होता है, जियो फेंसिंग समझते हैं आप, नहीं समझते मैं बता देता हूँ। जैसे हम खेतों में तार फेंसिंग करते हैं उसी तरीके से जियो फेंसिंग होती है कि इस जियो फेंसिंग से बाहर कभी आपकी गाड़ी जाएगी। तो हम यहाँ पे आ गए, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये व्हीकल लॉक है, इसका एक्सेस हमने इसको नहीं दिया, इस जो हमारे जो क्लाइंट है ये वाला अखिल 1234, इनका एक्सेस हमने इसमें नहीं दिया। इसका मतलब ये यहाँ पे इसमें रिले नहीं दिया हमने, तो हम यहाँ से इसके अपने हिसाब से एक्सेस चेक कर सकते हैं कि किसको हमें क्या एक्सेस देना है, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ पर आ जाता हूँ आपके व्हीकल। जैसे हमें कोई भी जीपीएस ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, तो व्हीकल पे हम जाएंगे। यहाँ से कोई भी हमें नया जीपीएस किसी को देना है, किसी कस्टमर को, कैसे दिखेंगे हम, तो यहाँ पे आए हम व्हीकल वाले पोर्शन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे एक लिस्ट बनी हुई है, तो जो भी आप नए व्हीकल ऐड करेंगे ना वो यहाँ नीचे लिस्ट में आ जाएंगे। इसका इसमें व्हीकल का नंबर आप देख सकते हैं, जीपीएस डिवाइस का आईएमई नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्लाइंट का नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर मतलब क्या है सर, आप समझ गए ना, यूज़र जो एंड यूज़र है, हाँ जो हमारा कस्टमर है उसकी यूज़र आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, किस कंपनी में है, ठीक है। वो मतलब उसकी कंपनी का क्या नाम है वो यहाँ पे दिख रहे हैं,
डिवाइसेस के नेम आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेट आप उसका इग्निशन ऑन है, इंजन ऑन है या ऑफ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गाड़ी है इसका इंजन ऑन है, ठीक है। ये अभी आइडियल में चल रही है, आइडियल मतलब आप समझ ही गए, मैंने आपको बता दिया था इंजन ऑन है लेकिन गाड़ी मूवमेंट में नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टाइप है कि वो बाइक है, कार है, क्या है, ट्रक है, ट्रैक्टर, वो यहाँ देख सकते हैं। सिम ऑपरेटर उसमें कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे एयरटेल की सबसे ज़्यादा सिम यूज़ करी हमने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट अपडेट का टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं, स्टेटस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेंसर्स आप देख सकते हैं, एसी का अभी यहाँ पे ऑफ है, बैटरी फुल चार्ज है, जो नेटवर्क हमें प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जीपीएस के सिग्नल्स हैं, ये देखो इसके सिग्नल बहुत वीक है, 7 है, इसके सिग्नल 192 है प्लस, है ना, तो काफ़ी सारे सिग्नल उसको मिल रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। ओडोमीटर रीडिंग, ओडोमीटर रीडिंग आप समझते हैं, जैसे जितनी गाड़ी हमारी ट्रैवल करती है हमें रीडिंग दिखाई देती है कि हमारी गाड़ी 688 किलोमीटर चल गई टोटल आज तक, ठीक है ना, वो रीडिंग आपको यहाँ दिखाई देती है कि कौन सी गाड़ी कितनी टोटल चल गई है, वो यहाँ दिखाई देती है। कोई मॉडिफिकेशन आपके किसी क्लाइंट ने या फिर आपके किसी एम्प्लॉय ने, जैसे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, है ना, तो आप अपने नीचे एम्प्लॉयज़ भी हायर करेंगे, तो किसी ने कोई चीज़ यहाँ सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ चेंज कर दी है ना, तो मुसीबत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कब किसी ने यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए थे, तो आप इस जगह पर देख सकेंगे। ओवर स्पीडिंग आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी को हमने कितनी ओवर स्पीडिंग दी है, जैसे इस गाड़ी को 80 ओवर स्पीडिंग दी है, तो 80 के ऊपर जैसे ही ये गाड़ी जाएगी तो उन पे वहाँ पे अलर्ट पहुँच जाएगा। अब माइलेज इसका क्या है, किस गाड़ी का कितना माइलेज, वो यहाँ देख सकते हैं। पोर्ट, ये पोर्ट के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊँगा एक, ठीक है। व्हीकल निकनेम यहाँ से आप डाल सकते हैं, ये सब आपको दिखाई दे। अगर आप यहाँ पे पैनल से किसी गाड़ी को लॉक करना चाहते हैं तो यहीं पर दबा के क्लिक करके उस गाड़ी को लॉक करना कर सकते हैं। डू यू रियली वॉन्ट टू परफॉर्म दिस एक्शन, मतलब आप इसको लॉक करना चाहते हैं ये गाड़ी को, हम नहीं करना चाहते क्योंकि वो हो सकता है ट्रैवल कर रही होगी गाड़ी, है ना। अब उसका एड्रेस आपको चेक करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आपको दिखाई दे जाएगा। उसकी पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने कोई पेमेंट डिटेल्स अभी फिल नहीं की होगी, इसलिए व्हीकल डज नॉट हैव, व्हीकल लॉक डज नॉट एग्जिस्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आपको और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं और सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट्स भी हमने नहीं दिए हैं किसी व्हीकल को, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर किसी कस्टमर का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट या एंड डेट देखना चाहते हैं, ये आपको ग्राफिकल रिपोर्ट दिख जाएगी कि कौन कौन से GPS आपके कितने कितने पोर्शन में लग रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा जो GPS हमारे लग रहे हैं वो EV02 है, या कॉनकॉक्स का ये है एक, और ये वाले पोर्ट पर हमने सबसे ज़्यादा GPS लगाया। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन से GPS का आपका सबसे ज़्यादा फ्लो है और कौन सा GPS जो है आपका रुका हुआ है स्टॉक में। मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं, किस व्हीकल का क्या स्टेटस है, मतलब हमारी 33 ऐसी व्हीकल्स हैं इनमें से जो कि अभी बंद खड़ी हुई है, ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिल रही है। इग्निशन ऑन कितनी गाड़ियों का, 10 गाड़ियों का है, 13 गाड़ी हमारी इनएक्टिव है जिनको नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 8 गाड़ी हमारी आइडल में है जो कि हमारी गाड़ी चालू है लेकिन खड़ी हुई है, है ना, जैसे कि JCB वगैरह हुई ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इसको नीचे स्लाइड करके आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितने पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे एंट्रीज़ हैं 68 टोटल एंट्रीज आ रही हैं। अब हमें कोई व्हीकल ऐड करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक बटन दिया गया है ऐड का, ठीक है। मैं ये वाली मेरी क्या वीडियो बनी हुई है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो है हमारी, सॉरी अगला पार्ट जो हमारा है, टेक्नीशियन हमें क्रिएट करना है, क्लाइंट, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। अभी रिपोर्ट्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसमें आपको देखना है डिस्टेंस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे क्लाइंट्स, तो इसकी रिपोर्ट्स आपको दिख गई, किलोमीटर रिपोर्ट्स, है ना, कौन सी वाली रिपोर्ट्स आप गए थे, टोटल किलोमीटर कवर्ड बाय ईच व्हीकल, जैसे इनकी 3 व्हीकल हैं, ये तीनों व्हीकल आपको दिखाई दे रही हैं। इस वाली व्हीकल ने 130 किलोमीटर ट्रैवल किया, इस वाली व्हीकल ने 27 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया। यहाँ पे आपको लिखित में भी, ये तो ग्राफिकल रिपोर्ट आ गई हमारी ऊपर, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया पूरा कि इस गाड़ी ने 27 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसने 30 किलोमीटर, 130, इसने 0 किलोमीटर, मतलब इन तीनों गाड़ियों का टोटल मिलाकर 157 किलोमीटर ट्रैवल किया, जो कि एक ही क्लाइंट को असाइंड है हमारे, जैसे ये है ना, इनकी हम 2 गाड़ियाँ हैं, इनकी दोनों गाड़ियाँ हमने सेलेक्ट की। यहाँ देखो इनकी एक गाड़ी तो आज बिल्कुल भी नहीं चली और एक गाड़ी 355 किलोमीटर चली, तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स आ गई पूरी, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट्स आप भी देख पाएंगे और आपका कस्टमर भी देख सकता है, हाँ, ताकि ये सारी चीज़ें देखो मिसयूज़ करने के लिए नहीं होती, कोई भी टेलीमेटिक इंडस्ट्री में कोई भी हो, कोई भी इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करता, है ना। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कस्टमर को आप बेटर सर्विसेज दे पाएँ,
जैसे कोई चीज़ कहीं अटक रहा है कोई कस्टमर आपका, तो वो आप उसको बता पाएंगे, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब हम और रिपोर्ट्स देख सकते हैं, स्टेटस रिपोर्ट्स अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्लाइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे हम इस गाड़ी का स्टेटस देखना चाह रहे हैं आज, ठीक है। इसके हमें इग्निशन ऑन कितना टाइम तक रहा, ऑफ कितना टाइम रख रहा, आइडियल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ओवर स्पीडिंग, एसी ऑन, अनरीचेबल, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ड्यूरेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट अगर हमें सेलेक्ट करना है कि भाई हमें पिछले हमें एक तारीख से देखना है, ओके, हमने अप्लाई किया 1 से 6 तक, ये रिपोर्ट्स आ गई पूरी, ठीक है ना। 1/3/2021 को कितना टाइम तक ये चला, इग्निशन ऑफ रहा पूरे टाइम, और 2 तारीख को यहाँ पर कितना ये ट्रैवल किया इसने, इग्निशन कितना ऑन रहा है इसका इंजन, 1 घंटा 15 मिनट ऑन रहा, और बाकी का टाइमिंग 22 घंटे 43 मिनट ये ऑफ रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरी रिपोर्ट मिल जाती है कौन सी गाड़ी हमारे कितना कितना चली, कितना कितना रुकी, कब कब ऑन हुई थी। देखो यहाँ पे इसका रिपोर्ट आ गया, ये कहाँ ऑन हुई, किस टाइम पर, क्या उसका कोऑर्डिनेट्स है, टाइमिंग आ गई आपको, कितने देर तक ये ऑन रही, एंड कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, और ये इसका प्लेबैक आ गया। ड्यूरेशन 8 घंटे 18 मिनट तक ये चलती रही। इसको आप प्ले करके देखना चाहते हैं तो प्ले भी कर लेंगे। अच्छा स्टॉपेज वाली है ये, देखिए ये स्टॉपेज वाली है, ये रनिंग वाली है, ग्रीन वाली, तो हम ये देख सकते हैं 1 मिनट 9 सेकंड तक ये बंद रही, सॉरी ये चालू रही, चलती रही है ना रनिंग में। और ये वाला है ग्रीन वाला पार्ट, ये 10 सेकंड के लिए, मैं आपको थोड़ा सा लंबा बताता हूँ। देखिए 31 मिनट 13 सेकंड तक ये गाड़ी चली थी। इसको हम प्ले कर लेते हैं, आपको यहाँ पे ये चलती हुई गाड़ी दिख रही है, और यहाँ पे आपको स्पीड भी दिख रही है, फ्यूल स्पीड टाइमिंग, क्या क्या टाइमिंग पर किस कहाँ पे वो जा रही थी, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। डेस्टिनेशन कहाँ थी, कितने टाइम में क्या उसकी एवरेज स्पीड थी, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टाइमिंग क्या थी, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पीड आप यहाँ से फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। ये आपको चलती हुई दिख रही है गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको जूम करके देख किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पर क्या स्पीड थी इसकी, डिस्टेंस इतने टाइमिंग पर इतनी स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड क्या थी, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैप व्यू भी चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ग्राफिकल में भी देखना है तो यहाँ पर आप ग्राफिकल में भी देख पाएंगे इसको, ये नीचे आ रहा है आपका ग्राफ, ये चीज़ आ गई, ये सारे स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएंगे कि कितने टाइम तक क्या क्या हुआ, ये सब आपको मिल गया। और देखते हैं हम और क्या है यहाँ पे, ट्रैवल समरी आप देख सकते हैं, मतलब कितना ट्रैवल किया किस टाइमिंग पर, ये भी आप ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिल जाती है। शॉर्ट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, आज की डेट में इस गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया, मैक्सिमम स्पीड 95 थी, तो ये यहाँ पे आपको दिख गया। मतलब यही सब चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स आपको कई सारी मिल जाएंगी, सेंसर रिपोर्ट आप यहाँ से देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे ना तब आपको भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आप उनको अलर्ट्स देने हैं, तो अलर्ट्स का क्या मतलब है वो बताते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, किसी को अलर्ट देना चाह रहे हैं तो हमने उसका अलर्ट का नाम लिख दिया, जैसे हमने दिया। अब इसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि किसको असाइन कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टर को, ग्रुप को या यूज़र को, हमने सेलेक्ट किया ट्रांसपोर्टर। किस ट्रांसपोर्टर को हम असाइन कर रहे हैं, जैसे ये है, उसका व्हीकल सेलेक्ट किया, नहीं आ रहा कोई, दूसरा कोई सेलेक्ट करते हैं। अब इस व्हीकल को हमें क्या क्या अलर्ट्स देने हैं, एट टाइप दिया हमने, यहाँ पे आ रहे हैं कि आप आइडल कंडीशन का उसको अलर्ट देना चाहते हैं, मैसेज पहुँचेगा कि भाई आपकी गाड़ी काफ़ी समय से आइडल है, ठीक है, मतलब इंजन ऑन है उसका। ओवर स्पीड का अलर्ट देना चाहते हैं, इंजन ऑन का, ऑफ का, जियो फेंस इन आउट, एसी चेंज है ना, बैटरी डिस्कनेक्ट, कभी जैसे क्या है कोई कस्टमर ने आपका तार काट दिया, या सॉरी आपका ड्राइवर ने वायर काट दिया जीपीएस का, तो इस वाले अलर्ट से आपको ना बैटरी डिस्कनेक्ट का अलर्ट मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। पार्किंग मोड का अलर्ट आपको चाहिए, सारी चीज़ें अगर आप सब कुछ देना चाहते हो एक कस्टमर को तो सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो ये अलर्ट्स आप उनको जो है कस्टमर को पहुंच जाते हैं। अब अनाउंसमेंट भी दिखा दूँ, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई व्हीकल इंश्योरेंस स्टार्ट की, ये आपको सब डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अपने सभी ट्रांसपोर्टर्स को ये अनाउंसमेंट डालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया, क्लाइंट सेलेक्ट किया, ट्रांसपोर्टर सारे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट ऑल से, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे वैलिडिटी, कुछ घंटों तक आपको दिखाना है या कुछ दिनों तक आपको दिखाना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया दिन, 5 दिन तक हमारा ये जो अनाउंसमेंट है वो सभी क्लाइंट्स को, हमारे कस्टमर्स को दिखता रहेगा। ये जो मैसेज है वो किस टाइप का है, टेक्स्ट है या इमेज है कोई, आप किसी को कोई फ़ोटो दिखाना चाहते हो मार्केटिंग के लिए या किसी को टेक्स्ट करना चाहते हो, तो हमने बोला हमने टेक्स्ट करना है। उसका टाइटल क्या होगा, हमने डाल दिया इंस्टेंट व्हीकल इंश्योरेंस विद इन 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में आप अपना वाहन का बीमा कराओ। उसका जो बॉडी है वो यहाँ लिख दिया, गेट योर व्हीकल इंश्योरेंस विद एक्स्ट्रा 8% इंस्टेंट कैश बैक, ठीक है। इससे हमारा क्या फ़ायदा है, एक तो हमारे मार्केटिंग की कॉस्ट जीरो हो गई, ऑटोमेटिक हमारे कस्टमर ने हमारे ऊपर रीच आउट कर लिया, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे ये इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो उन्होंने जब जिसको ज़रूरत पड़ी उसने हमें कॉल करके इंश्योरेंस के लिए पूछ लिया, और उसके बदले में जो हमारा टाइम और एफर्ट्स बचा उसके बदले में हमने अपने ग्राहक को 8% का कैशबैक दे दिया। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया, यहाँ से हमारी फ्री में मार्केटिंग हो गई और हमारा एक
बहुत बड़ा चैनल बन गया। वांट व्हीकल इंश्योरेंस विद लोएस्ट प्राइस एंड फुल फीचर्स, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। हम इसको एक्टिव करना चाहते हो तो एक्टिव किया, रिक्वेस्ट फॉर डोंट शो अगेन, या ये आपको एक्सेस देना है तो यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। उसको यहाँ से सेव कर देंगे, तो जब जैसे आप इसको सेव करेंगे ना, हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे वो अगले 5 दिन तक इस वाले व्हीकल इंश्योरेंस वाला मैसेज जो है उनको मिलता रहेगा, वो हमसे सर्विसेज को ले सकते हैं। ठीक, ये अलर्ट्स का एक बहुत बेहतरीन फीचर है इस सॉफ्टवेयर का। अब ये फ्यूल प्राइसिंग, ये तो सब आपके काम का तो अभी नहीं है, लेकिन मैं प्रीव्यू बता देता हूँ कि जैसे दिल्ली में क्या प्राइसिंग चल रही है पेट्रोल की, कितना पैसा वो घटा कितना बढ़ा, मुंबई में क्या प्राइसिंग चल रही है, चेन्नई बेंगलोर, आप डीजल का प्राइस देखना चाह रहे हैं तो वो दिख जाएगा। आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, हमें यहाँ से देखें जैसे हमें पंजाब में, उड़ीसा में, दिल्ली में क्या प्राइस चल रहा है, हमने यहाँ सर्च किया तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ ये आ गई कि किस तारीख को कितना फ्यूल प्राइसिंग था, कब बढ़ा था, कितना कितना बढ़ा था, ग्राफिकल रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिल गई है ना। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं डीजल का प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ पर सर्च करेंगे दिल्ली में तो यहाँ पर उसका डीजल का प्राइसिंग आ गई, फ्यूल और डीजल में कितना कितना अंतर आ रहा है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है ये हमारा। तो हो गया फ्यूल प्राइसिंग का, आप किसी का लाइसेंस और आरसी भी चेक कर सकते हैं दोनों चीज़, ये मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक फीचर है। फ्यूल आप देख सकते हैं, फ्यूल रिपोर्टिंग ये बहुत एडवांस लेवल की है इसलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। तो जनरली आपका जो मेन जो फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिए। तो इसके बाद मैं आपको अब अकाउंटिंग इसकी बता देता हूँ, मेन तो यही है सब कुछ। जैसे आप किसी भी व्हीकल पे क्लिक करेंगे उसके आपको रनिंग में भी दिख जाएगी कब से ये ऑफ है, ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। अब जियो फेंसिंग अगर आपको कभी क्रिएट करनी है तो POI, ये ऐड POI, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये गाड़ी कहीं पर खड़ी हुई है, ये आपका घर है, यहाँ पर आपको एक जियो फेंसिंग क्रिएट करना है, ये जियो फेंसिंग है, ठीक है। जैसे आपके खेतों में तार फेंसिंग होती है ना, तो जैसे आपका खेतों में तार फेंसिंग होती है उसी तरीके से यहाँ पे जियो फेंसिंग होती है। इस सर्कल में जियो फेंसिंग कर दी, उसकी हमने टॉलरेंस मीटर ले लिया 15 मीटर। अब जैसे इस गाड़ी इस रेडियस से गाड़ी कभी बाहर जाएगी या इसके अंदर आएगी तो आपको अलर्ट देगा, है ना, आपका जो GPS का जो सॉफ्टवेयर है वो अलर्ट देगा कि आपकी गाड़ी जो है अंदर आ चुकी है या आपकी गाड़ी जो है वो जियो फेंसिंग से बाहर जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्रिएट किया जाता है, तार फेंसिंग है, यहाँ पर अलर्ट देता है आपको। ये POI सेलेक्ट करेंगे आप, टाइप, ये गाड़ी सेलेक्ट कर ली हमने, POI टाइप कैसा है ये भाई, क्या है ये, ATM है, एयरपोर्ट है, बैंक है, या कोई बस स्टॉप है, या कोई हमारा घर है, पर्सनल होम डाल दिया हमने यहाँ पे जैसे, ठीक है, ये डाल दिया। अब हमारे घर का क्या नाम है वो हमने यहाँ डाल दिया, जो भी आपको डालना है, या कोई भी विलाज है ना, इसका टॉलरेंस आप कम करना चाह रहे हैं तो टॉलरेंस आप कम भी कर सकते हैं, या 10 मीटर का हो गया, इसको आपको सेव करना है तो सेव हो जाएगा। अभी जैसे इस रेडियस से कभी बाहर जाएगी तो हमें अलर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आप सर्विस अलर्ट भी डाल सकते हैं, किसी को शेयर करना है इस लोकेशन को तो शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सर्विस वाले पार्ट में आए तो हमें यहाँ पे ऐड करना है कि हमारी इस कौन सी वाली व्हीकल, जैसे इस वाली व्हीकल की हमारी सर्विस हुई थी तो अब हमें अगली बार इसका अलर्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देख सकते हैं आप, ऐड सर्विस एंड मेंटेनेंस डिटेल्स, जैसे हमने इंश्योरेंस, तो आपकी इशू डेट कब की है, आपने कब इसको इंश्योरेंस को लिया था और कब आपके इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो जाएगी, तो आप यहाँ डाल देंगे। और उसका आपको कौन से किस उससे आपने इंश्योरेंस ली थी, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस से आपने इंश्योरेंस लिए, इसको आपने सेव कर लिया तो अगली बार जब भी ये एक्सपायर होगी उसके आपको 2-5-10 दिन पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू होनी है। उससे हमें अपने आप पता चल जाता है कि हाँ मेरी इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है। ऐसी पॉल्यूशन, जैसे इंडिया में क्या होता है, PUC दो बार, एक साल में 2 बार बनता है हर 6 महीने में, ठीक है। तो अब जो PUC की जो कॉस्ट होती है वो 50 से 60 रुपये रहती है ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। लेकिन जब हम भूल जाते हैं ना तो हमारे जो पुलिस वाले पकड़ के हमारा चालान काट देते हैं, वो चालान होता है 500-1000 रुपये का। तो हमें यहाँ से इस चीज़ से आपकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ से डाल देंगे तो अलर्ट आपको मिल जाएगा अगली बार आपको कब इसका मतलब PUC बनवाना है। इसी तरीके से आपको व्हीकल सर्विस, आपने इसकी सर्विस कब कराई थी, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट सर्विस ओडोमीटर रीडिंग, हर 10,000 किलोमीटर पर रीडिंग आपकी सर्विस होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे कि हमारी 20,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, अगले 10,000 किलोमीटर पे आपको यहाँ पे सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो अलर्ट आ जाएगा। इसी तरीके से फिटनेस परमिट या लोकल परमिट या कोई अन्य परमिट आप डालना चाह रहे हैं, रोड टैक्स आपके पास है तो आपने डाल दिया कब इशू हुआ था और कब एक्सपायर हुआ था, उसको आपने सेव कर दिया तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बन जाएगी और वहाँ पे आप जो कस्टमर है वो देख सकता है उसको। और भी इसके कई सारे ऑप्शन फीचर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सारे फीचर्स आपको जो फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसमें नहीं मिलते। जितनी अच्छी सर्विस आप कस्टमर को देंगे उतना ज़्यादा उनको भी अच्छा लगेगा। आप अगर जैसे कोई कस्टमर को लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, जैसे कोई कस्टमर है, एक बात मेरी समझना कि वो नेपाल से दिल्ली आना चाह रहा है या कहीं भी, है ना, तो आप दिल्ली आने में कितना टाइम लगेगा, आपका दिल्ली में कोई एक रिलेटिव रहता है, ठीक है,
तो उसको आपको पिकअप करने के लिए भेजना है, तो आप वो पूछ रहा है भैया कहाँ तक आपकी गाड़ी आ गई, कहाँ तक आ गई। इससे अच्छा उसने आपने क्या कह दिया कि भैया मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ अगले एक घंटे की या 12 घंटे की या एक दिन की या एक हफ्ते की। तो हमने बोल दिया अगले 12 घंटे की हमें लोकेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आप देख लो उसे और मेरे को आप आगे से परेशान मत करना, गाड़ी को देख लो कि कहाँ तक पहुँच गई है और आप उससे ड्राइवर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लिंक आ गई, इस लिंक को आप पूरा कॉपी करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू वो जिसको भी आप शेयर करेंगे ना वो उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ये POI मैंने अभी आपको बताई दिया, जियो फेंसिंग, ठीक है, सर्विस हो ही गया, सर्विस मेंटेनेंस अलर्ट डाल देंगे, शेयर का ऑप्शन हो गया, नियर बाय। अब जैसे आप मान के चलो आप नेपाल के हैं या फिर आप दिल्ली के हैं, आप तमिलनाडु साइड गए तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब हमें पैसों की ज़रूरत है लेकिन हमें ATM कहाँ है हम पूछ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो लोग तमिल में बात करते हैं, आपको हिंदी में बात करनी आ रही है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, इस पर हमने क्लिक किया जैसे ATM पे, हमें बताएगा कि नियर बाय ATMs कहाँ कहाँ होंगे। तो ये आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं, हमारे आसपास पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ होंगे वो देख सकते हैं, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, या आप उसके नियर बाय अपने आसपास गाड़ी के आसपास जो भी नियर बाय में होंगे वो सब आप यहाँ से देख सकेंगे। इसके बाद और आपको क्या मिल रहा है, आपको ये लोकेट का ऑप्शन आ रहा है जिसको आप लोकेट कर सकते हैं। इसको तो मैंने भी यूज़ नहीं किया कभी, ये गाड़ी कहाँ पर है ये सब लोकेट करने के लिए होगा शायद। ये ट्रैक का आपको बता ही दिया था मैंने, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगा। आप जैसे 10 गाड़ियाँ आपकी कस्टमर की हैं तो वो यहाँ पे पिन करके लगा सकता है कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, यहाँ पे स्पीडिंग वगैरह सब दिख जाती है, ठीक है, वो सब ये देख सकेगा, ठीक है। यहाँ पर ड्राइवर की डिटेल लिस्टिंग आप कर सकते हैं, समझना मेरी बात, ये बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि ये कोई गाड़ी है, ये जो गाड़ी का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस गाड़ी पे हमने किसी ड्राइवर को असाइन किया है। अब किसी आपका कोई कस्टमर है जिसकी 10 गाड़ियां हैं, ठीक है ना, तो आपने 10 गाड़ियों के लिए वो कैसे समझेगा कि कौन सा ड्राइवर कौन सी गाड़ी को चला रहा है। मोबाइल फ़ोन में है ये ऑप्शन, मैं आपको मोबाइल फ़ोन से और अच्छे से दिखा दूँगा, बहुत अच्छा फीचर है ये, कभी आपको मोबाइल पर दिखाऊंगा मैं। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, हमारा ट्रैक एंड टॉक सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। और हम अपने पूरे पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग जगह पर फ्रेंचाइजीज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में हमारी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है या नहीं, और जल्दी से जल्दी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।